हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे नारियल की बिस्किट और इस तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज नारियल की बिस्किट बनाते हैं। तो नारियल की बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम बटर, पिंच ऑफ सॉल्ट और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर और यहाँ पर 70 ग्राम जितना मैंने मैदा लिया है। और यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी लिए है जो 50 ग्राम है। और हम बिस्किट बनाने के लिए क्रीमिंग करते हैं, तो क्रीमिंग के लिए इस तरीके की चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो बटर लिया है उसको सॉफ्ट बनाना है, तो हमने 15 मिनट तक इसको सॉफ्ट किया और इसका टेक्सचर इस तरीके से आ चुका है। हमें इस तरीके से ही राउंड राउंड घुमा के क्रीमिंग करनी है और दोनों हाथों के बीच में थोड़ी सी जो उंगलियां हैं उनके बीच में जगह रखनी है और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। और हमारी क्रीम यहाँ पर रेडी हो चुकी है, जो हमारा बटर है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने पीसी हुई चीनी ली थी उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इस तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी थोड़ी ही डालें और उसको फिर से एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे थे हाथों को उसी डायरेक्शन में घुमाएं और क्रीमिंग करते जाइए। और 15 मिनट या 20 मिनट तक इस क्रीम को इस तरीके से करें स्लो, बहुत ज़्यादा हाथों से दबाना नहीं है, जैसे हम करते हैं क्रीमिंग वैसे ही करना है। और यहाँ पर अब हमारी क्रीमिंग शुगर वाली रेडी हो चुकी है, तो मैंने अब इसके अंदर डाल लिया है नारियल का पूरा और उसको भी 5 मिनट के लिए क्रीम करते हैं। और आप देख सकते हो हाथों से ऊपर से क्रीम ऑटोमेटिक गिर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रीम परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम जो क्रीम है वो रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन येलो, जो फूड कलर है वो डाल रही हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर से उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएं और उसका क्रीम बना लेते हैं। और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाने से जो क्रीम है वो वाइट होती है और एकदम फ्लफी बनती है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि एक ही डायरेक्शन में आप घुमाते रहिए और क्रीम बनाते जाइए। और ये क्रीम भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसके अंदर हमें पानी 1 टेबलस्पून, मतलब जो हम घर में चम्मच रखते हैं एक चम्मच जितना ही डालना है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं है, नहीं तो हमारा जो आटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत कम पानी डालना है, मैंने यहाँ पर जो चम्मच ली है उतना ही पानी में डाल रही हूँ, वो भी आधा ही डाला है, तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। और हमारा क्रीम रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर हमने डाल लिया है मैदा, जिसके अंदर बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट मिक्स कर लिया था, और इसको भी इस क्रीमिंग के साथ मिक्स करके एक डो रेडी कर लेते हैं। और जो हमारा डो रेडी हो चुका है उसके अंदर हम थोड़ा सा डाल लेंगे वेनिला एसेंस जो है, इसको डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो हम इसके अंदर भी वेनिला एसेंस डाल के डो को फिर से सॉफ्ट कर लेते हैं। और एक अच्छा सा डो रेडी करके इसको मैं बेलन से बेल लेती हूँ। बेलन से बेलने से जो साइड का है वो तो टूटेगा ही, उसको भी हमें सॉफ्ट कर लेना है। और आप देख सकते हो साइड को भी मैं अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ इस तरीके कटर से। और इसके ऊपर हम डालेंगे नारियल का बूरा, और नारियल का बूरा डालकर हम उसके ऊपर एक बेलन फिर से लगा देंगे, जिससे कि जो नारियल है वो अच्छे से डो के अंदर चला जाए और चिपक जाए। तो आप देख सकते हो हमारा जो डो है वो भी अच्छे से बेल कर रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कटर, जो बिस्किट कटर आता है। अगर हमारे पास कटर ना हो तो हम घर में पड़े ग्लास से भी इसको कट करके राउंड शेप दे सकते हो। और इस तरीके से मैं सारी बिस्किट्स को कट कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो बिस्किट को साइड में रेडी कर रही थी उससे पहले मैंने प्री हीट के लिए ओवन रख दिया था, 15 मिनट के लिए ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था।
जिसके अंदर मैंने टेम्परेचर 150 जितना रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बिस्किट्स को मैंने ट्रे में इस तरीके से रख लिया है। और इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चेरी लगा लेंगे। तो चेरी भी मैंने कट करके रखी हुई है। तो तब तक हम बिस्किट को पहले अच्छे से ट्रे में इस तरीके से अच्छे से संभाल के निकाल लेते हैं। और सारी चेरीज को मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो ये बिस्किट टूट जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर प्रेस करके अच्छे से बिस्किट को रेडी कर लें। अब आप देख सकते हो बिस्किट्स बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और अब हम इसको डालेंगे ओवन में। अब हमने ओवन में 35 मिनट के लिए 180 डिग्री के टेम्परेचर से इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है। और 35 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। और यहाँ अंदर आप देख सकते हो थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। और हमने फाइनली सारे बिस्किट्स को बाहर निकाल लिए हैं। और आप देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये बिस्किट। और देखने से ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी दिख रही है। तो आप अपने घर में इस तरीके की बिस्किट ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप पतीले के अंदर नमक या रेती कुछ भी डाल के इसको बेक करके भी बिस्किट को घर में रेडी कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के आपको बीच का हिस्सा भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी दिखेगी। और बहुत खाने में सॉफ्ट लगती है और ऊपर से क्रिस्पी भी होती है। छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है ऐसी वाली बिस्किट। तो आप ज़रूर से ट्राई करें, घर में बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दें।